चापा नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 की बसंती बाई ने बताया कि वो एक श्रमिक महिला है और उसका श्रमिक कार्ड जांजगीर जिला से बना हुआ है और वो मजदूरी करती है। इस मजदूर कार्ड में उसे साइकिल का 2900 रुपये मिल चुका है, मगर उसके बच्चे का छात्रवृत्ति 2 साल से रुका हुआ है। इसके बच्चे के साथ साथ करीबन 14-15 बच्चों का भी छात्रवृत्ति रुका हुआ है। सरकार का योजना जो श्रमिकों को लाभ दिलवाना होता है, मगर यहाँ पे श्रमिक दौड़ दौड़ कर श्रम ऑफिस में जाते हैं, मगर इन्हें लाभ नहीं मिल पाता। पीला कार्ड बने हैं, छात्रवृत्ति नहीं मिली हमारे लड़का मन ला, और एक साल भरे रहे फार्म तो साइकिल के पैसा मिल गया हवा। अभी बहुत समस्या चला थे और मजदूरी करा था पति पत्नी और मजदूर तो लड़का है। कितने साल से नहीं मिला है आप लोग? 2 साल। आप लोग कितने बार गए हैं जांजगीर? 3-4 बार। आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद ये रखता कि हमन के पैसा ला दे की कोशिश करें। गरीब श्रमिक महिला को देखते हुए मैं इस वीडियो को बनाई थी, जो मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाती है और उसे सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पाता। इंडिया अनहर्ड के देखने वाले सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि जिला जांजगीर के लेबर ऑफिसर का मोबाइल नंबर 07-819-224-084 को कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि जल्द से जल्द इन बच्चों का छात्रवृत्ति मिलने पाए। मैं हूँ वृंदा आज़ाद, बिलासपुर छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ड के लिए।